हे hey गाइस मैं इन दी फोर बाय सेवन एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि आसोज एन फॉर मैक्सरोन पे रिलेटेड टू इट्स लेटेस्ट अपडेट फॉर दी पाई बेस यूजर विद दी वर्जन नंबर जीरो एट्टी टू तो आप मेरे फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अभी जो इंस्टॉल वर्जन है वो एंड्रॉड नाइन बेस स्टॉक रोम है जिसका सिक्योरिटी पैच लाइव है फिफ्थ अप्रैल ट्वेंटी एंड इसके अलावा जो वर्जन एंडिंग है वो है जीरो एंड ये है कर्नल वर्जन अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल दी लेटेस्ट वर्जन 082 एट्टी टू एंड उसके बाद कुछ और चीज़ें वेरीफाई करने करेंगे इससे पहले कि हम डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे प्रोसीड करें उससे पहले दो छोटी सी चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा सबसे पहले है स्टेटस ऑफ कैमरा टू ई तो वर्जन जीरो सिक्सटी पे मेरे पास जो स्टेटस ऑफ कैमरा टू ए पी या हार्डवेयर लेवल सपोर्ट लेवल है वो है लेगेसी तो हम देखेंगे कि ये चेंज होता है कि नहीं एंड इसके अलावा जो डी आर इन्फो या जिसे हम वाइड वन सर्टिफिकेशन का भी देख कहते हैं वो मेरे एंड पे L3 है तो देखेंगे कि आफ्टर अपडेटिंग दिस अपडेट दैट इज़ विद वर्जन जीरो एटी टू ये चेंज होता है कि नहीं तो चलिए अब डाउनलोडिंग प्रोसेस पे प्रोसीड करते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी क्रोम खोल लिया है तो इस पर्टिकुलर डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए मैंने ऑलरेडी अपने ऑफिशियल ब्लॉग पे एक डेडिकेटेड आर्टिकल ड्राफ्ट या क्रिएट किया है जिसका यूआरएल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा ताकि आप बाद में इसे गो थ्रू कर सकें तो कुछ ज़्यादा मेजर चीज़ें मैंशन नहीं है लाइक कुछ है बिल्ड नंबर या एक फुल फॉर्मवेयर अपडेट है जो नहीं है लेबर वन पॉइंट फाइव टू जी बी अप्रॉसीमेली अब विल अपग्रेड योर हीजन जीरो एटी टू इंपॉर्टेंट नोट सिर्फ एंड्रॉड हो रही हो यूजर के लिए अगर कोई भी हो रही हो यूज़र जो इस पर्टिकुलर लेटेस्ट वर्जन जो पाई बेस्ड है जीरो एटी टू पर जाना चाहता तो वो कम से कम इस पर्टिकुलर मेथड से आ, वो उनकी जो ओरियो वर्जन होनी चाहिए वो होनी चाहिए एटलीस्ट थ्री फोर्टी जो कि है लेटेस्ट और जी और आई वुड से लास्ट ओरियो बेस्ड वर्जन एंड इसके बाद चेंज लॉग जस्ट छोटे से दो ही पता चले अभी तक कि अपग्रेडेड टू माई ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्योरिटी पैच अपडेटेड ए पी एन लिस्ट इसके अलावा बात करते हैं अपडेट मैथड तो ये पर्टिकुलर लिंक है जो डायरेक्टली आसूस के ऑफिशियल यू की तरफ से है तो ये कोई मेरी तरफ से नहीं है लोग बाद में पूछते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट से डाउनलोड किया भाई मैंने सिर्फ यहाँ पर लिंक मेंशन किया अपने ऑफिशियल लाइक ऑफिशियल आसूस की तरफ से मेरे पास और कुछ मतलब ये कोई मेरे पास नहीं है लिंक वगैरह वगैरह तो एस ओन एस आप इसके ऊपर टैप करेंगे वन पॉइंट की फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी और वो एस ओन एस कंप्लीट करेगी तो वो डाउनलोडिंग फोल्डर में अवेलेबल होगी जैसे कि ये इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पर टैप इन करके या सेलेक्ट करके इसे कॉपी या मूव टू करना है बेस्ट होगा कि कॉपी टू कर लें और उसके साथ साथ इसे बैकअप कर लें अपने किसी एक्सटर्नल स्टोरेज में ताकि बाद में भी किसी और टाइम पे भी आपको ये लाइक यूजफुल हो तो अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं राधा दैन बार बार डाउनलोडिंग तो इसे जस्ट मूव टू कर दीजिए या कॉपी टू कर दीजिए इंटरनल स्टोरेज में तो वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ टाइम को कट डाउन करने के लिए तो वो फाइल मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है इंटरनल स्टोरेज पे तो अब हम गुड टू गो हैं लाइक इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए तो चलिए मैं अपने फ़ोन को एक बार रीबूट कर देता हूँ एज सुन एज रीबूट प्रोसेस कम्प्लीट होगी तो हमें एक प्रॉम्प दिखाई देखने को मिलेगा कि सिस्टम फाइल हैज़ बिन डिटेक्टेड तो चलिए वेट करते हैं तब तक तो फाइनली हमारा फोन अब बूट इन हो चुका है टू दी होम स्क्रीन या आई वुड से लॉग इन स्क्रीन और साथ के साथ आप देख पा रहे हैं प्रॉम्प्ट सिस्टम अपडेट फाइल डिटेक्टेड तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जस्ट आपको यहाँ पर डिटा लाइक टैप करना है और उसके बाद वो दिखा रहा है कि वर्जन जीरो एटी टू आखिरी में जस्ट यहाँ पर ओके कर दीजिए अब अपडेट प्रिपेयर होना स्टार्ट होगी बैकग्राउंड में कुछ इंटैग्रिटी चेक होंगे अगर सब कुछ पास हो जाएगा तो उसके बाद ये इंस्टॉलेशन के लिए आगे प्रोसीड हो जाएगी कई कई बार कई यूजर बोलते हैं कि भाई मुझे एरर आ रहा है वगैरह वगैरह तो मोस्ट प्रॉब्ली वो करप्टेड फाइल की तरफ से ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा बट अगेन बेटर होगा कि एक बार फिर से इंस्टॉल कर लाइक uh, डाउनलोड like, करके दोबारा से इंस्टॉलेशन करके देख लीजिए वैसे मैंने आज तक ऐसा कोई एरर अपने एंड पर फेस नहीं किया बट अगेन लाइक एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर तो आ भी सकता है किसी के पास तो अब लाइक विद इन नेक्स्ट टू टू थ्री सेकेंड सिस्टम अपडेट इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी जस्ट आपको कन्फर्म करवा देता हूँ एक बार तो फाइनली आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इंस्टॉलिंग सिस्टम अपडेट अब ये नियरली अबाउट थ्री टू फोर मिनट्स लेगी अपनी इंस्टॉल लाइक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए तो तब चलिए तब तक वेट करते हैं उसके बाद ऐसा एज ये प्रोसेस कंप्लीट होती है तो कुछ छोटी सी चीज़ें वेरीफाई करेंगे इंस्टॉलेशन के बाद तो फाइनली इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है अब हमारा फोन रीबूट कर चुका है विद इन नेक्स्ट टू टू थ्री मिनट ये बूट इन कर जाएगा होम स्क्रीन पे या लॉगिन स्क्रीन पे फ़ाइनली हमारा फ़ोन बूट इन कर चुका है टू दी लॉग इन स्क्रीन या होम स्क्रीन और आप अब मेरे स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि फिनिशिंग सिस्टम अपडेट अब एक प्रॉम्प्ट आएगा कि सिस्टम अपडेट सक्सेसफुल तो फाइनली प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है इंस्टॉलेशन की और फोन अपडेट हो चुका है टू दी लेटेस्ट वर्जन वर्जन जीरो एटी टू बट अगेन कन्फर्मेशन के लिए फिर से चलते हैं सेटिंग्स में एंड कन्फर्म कर लेते हैं तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि वर्जन जीरो एटी टू पर अपडेट हो चुका है सिक्योरिटी पैच लेवल लेटेस्ट मंथ जो कि है फिफ्थ मई ट्वेंटी ट्वेंटी का है इसके अलावा इंस्टॉलेशन से पहले हम देख रहे थे स्टेटस ऑफ कैमरा टू ई पी आई तो बड़ी डिस्ट्रेस्टिंग बात है कि एंड्रॉड पाई यूजर्स के लिए आसूस की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है फॉर द कैमरा टू प्रॉप ई पी आई की वो उसे लेगेसी से लाइक लेवल थ्री पे ले जाए जो उन्होंने एंड्रॉयड टेन बीटा वर्जनस में प्रोवाइड कराया था इसके अलावा डी आर एम इन्फो या वाइड वन सर्टिफिकेशन का स्टेटस भी चेक कर लेते हैं तो अगेन मेरे एंड पे एल है ये तब से है जब से मैंने एंड्रॉयड टेन बीटा वर्जन वन इंस्टॉल किया है तब से ये मुझे एल नहीं वापसी रोल हो पाया बट अगेन किसी और के एंड पे होगा तो वो इसी चक्कर में होगा कि उन्होंने एंड्रॉयड टेन बीटा वन अभी तक इंस्टॉल नहीं किया होगा सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड रिलेटेड टू हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल दी फुल फर्मवेयर अपडेट विद द वर्जन जीरो एटी टू फॉर योर आसोज एंड फॉर मैक्स प्रोम वन यू लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर दिस वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली And apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.